अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हंजला मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक सरायकी गाने के ऊपर अपना रिएक्शन देने लगा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। अच्छा तो नाज़रीन, हमारे मशहूर गाने का लग रहा है कि असा तेको समझिया है सुल्तान मुहब्तां दा, तू कत्ल चा कर छोड़े मेरी जान मुहब्तां दा, तू हुस्न दा ठरकी है अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन चेक करें जी, पहले जो सरायकी ज़बान थी ना उसमें इंतहाई अदब, इंतहाई सलीके का ख्याल किया जाता था, लेकिन आजकल की जो सॉन्ग्स आ रहे हैं ना, ऐसे घटिया सॉन्ग्स आ रहे हैं यार। खुदा के बंदे, मैं इन राइटर से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार क्या पी के लिखते हो तुम लोग। अच्छा अभी आगे सुनिए, तू हुस्न दा ठरकी है बस ठरक बुरेंदा है, असा तेकू कुछ समझे तू कुछ समझेंदा है, नायाब झी शहा से सकुआम कर छोड़े, इश्तियाक तू नैयर को बदनाम कर छोड़े। वाह वाह इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब को मैं सल्यूट पेश करता हूँ, इतने ब्यूटीफुल उन्हें ये मिसरा लिखा है ना। वैसे एक बात ये सोचने की है कि हमारे यहाँ वैसे उर्दू पोइट्री में ये होता है कि हीर रांझा, शीरी फराद, लैला मजनू, यहाँ पे इश्तियाक नैयर चल रहा है। यार बस कर दो यार, मैं कहता हूँ प्लीज़ सैकी को थोड़ा ऊपर लेके आओ। ये क्यों है अभी इतनी प्यारी ज़बान को आप लोगों ने इतना ख़राब किया हुआ है। अब ये गाना आजकल तो वैसे टिकटॉकर बड़े शौक़ से लगाते हैं, ये बड़ा अच्छा मशहूर गाना चल रहा है, लेकिन अगर आप एक एक फ़िक्रे पे गौर करें ना तो पता नहीं क्या क्या नतज निकलते हैं। अच्छा तो ये जो अभी मैंने शेर पढ़े हैं ना नाजरीन, ये वो अशार थे जो कि पहले पहले वीडियो के शुरू में आहिस्ता आहिस्ता कहे जाते हैं, इन्हें आराम आराम से कहा जाता है ताकि इसके बाद एक बहुत ही मतलब एक यकदम से एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, म्यूज़िक आ जाता है, फिर वो सिंगर साहब अपना कलाम शुरू करते हैं। तो ये सब वहाँ तक था। अब जब इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया, इश्तियाक तू नैयर को बर्बाद कर बदनाम कर छोड़ी, सॉरी, अच्छा इसके बाद म्यूज़िक आ जाएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे सुनिए। मैडी वंग वे ढोला रोंदी नहीं माणी, किथे जा के वसे मेरे दिल दा जानी। वाह जी वाह सर, लेवल है सर ये, अभी आगे सुनिए, ये तो बहुत ही मतलब लेवल का लिखा हुआ है। हाँ ये मैं बताता चलूँ, हमारा सरायकी ढोला होगा, जहाँ पे भी आप देखेंगे हमारी सॉन्ग्स में ढोले का लफ्ज लाजमी आएगा, ये हमारी शान है सर। ढोला वो एक वो भी है, गाना भी बना हुआ है, मेरी शान ढोला है वो मेरी जान ढोला, ढोला तो बस होगा। और वंग, वंग वैसे मैं उर्दू में बताता चलूँ, वंग चूड़ी को कहते होते हैं, चूड़ियाँ जैसे होता है, ठीक है ना। अब वैसे तो चूड़ियों पे भी उर्दू में भी काफ़ी गाने बने हुए हैं, लेकिन सरायकी में वंग लाजमी होगी। तो जैसे वो एक गाना था, मेडी वंग लमे दी मेडा हार लमे दा, ये लाजमी होगा। तो जी आप सुनिए आगे, जानी भी इन्होंने कह दिया है, किथे जा के वसे है मेरे दिल दा जानी, तेरे प्यार विच मैं बदनाम हुई हाँ। भाई ये तो पहली बात है, बदनाम तो हर किसी ने होना है, ये जो पहला पहला आप प्यार करते हो तो बदनाम तो होना पड़ेगा ना, बर्दाश्त करो, क्यों अब क्या हो गया तुम लोगों को। अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं बस तेरियाँ निशानियाँ सीने ला के रोइया। वाह जी वाह सीना, भाई सीना लाजमी आएगा, निशानियाँ सीना, ये जो है ना असल में, ये जो भी पोइट्री उसमें आ रही है ये तकरीबन जैसे उर्दू में आपने सुना होगा दिल, दिल हर जगह आ रहा था, दिल वैसे दिल दिल पाकिस्तान, सॉरी वो तो मिलीनमा हो गया, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीना चलेगा, आपने जो देखना है सीना होगा। तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई। वाह जी वाह, ये अब वो बता रहे हैं, ये असल में लिखा तो इश्तियाक साहब ने है, लेकिन अब वो इश्तियाक साहब ख़ुद को एक मतलब औरत के तौर पे, एक मोनस के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं। तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई, पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछे मुड़ वे माहिया तेरी लोड़ पै गई। तो इसके बाद एक हमारा रिवायती म्यूज़िक चलता है जो कि पता नहीं कितने गानों से चलता आ रहा है, और उसके बाद आ जाएगा जी, भूल दे नहीं ढोला बचपन दे वेले। वाह बचपन तो हर किसी कायम होता है जी, इसलिए नैयर साहब को भी, नैयर नहीं इश्तियाक, नैयर तो हमारे सिंगर है ना, अच्छा इश्तियाक साहब को भी मतलब अपना बचपन याद आ गया। इस शेर में उन्होंने अपने बचपन को जिक्र करते हुए लिखा है कि भूल दे नहीं ढोला बचपन दे वेले, सोचा ना फिक्रा खुशियाँ दे वेले। बिल्कुल बचपन में कोई सोच नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, बस शायद ये ढोला ढोली बचपन में पता नहीं बस छोड़े, डुआ रल के बहाना
टाली दी छात है। ओए होए, यहाँ पे शायर साहब ना अपने गांव का मंज़र बहुत बड़ी अच्छी तरह पेश करते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पे ना, वहाँ पे तो नहीं होती यार ये पार्क शार्क, ये वहाँ कहाँ होते हैं, असल में वहाँ पे टाली ही होती है। वहाँ पे बैठते थे, वो लस्सी लेके आती थी, उसमें साथ थोड़ा सा मक्खन होता था और वो जुआर जुआर मकई की रोटी भी होती थी शायद, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत होगा। साडे नां नूं लिखणा अपनी तो बाहां ते, वाह। नाज़रीन मैं बताता चलूं, सॉरी मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। असल में ये रिवायत है, आप हर एक आशिक को देखते होंगे, आजकल तो टैटू बन रहे हैं, अपने नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन पहले होता था ईद वाले दिन चांद रात को पूरा सा दिल बना के ना उसके अंदर छोटा सा एस लिख देते थे। अब ब्लेड है तो आपके पास वो ट्रीट मिलता है 2 रुपए का, आजकल 5 रुपए का हो गया है। अच्छा, उसके साथ ऐसे बड़े अपनी आशिकी सब वो आशिकी साबित करनी है ना, तो पहले आपने अपनी बाजू काटना होगा आपको। आप नहीं बन सकते आशिक, आशिक बनने के लिए लाजमी है आपका बाजू कटा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ हो एस, एस नहीं वैसे एच कर लें, मेरा नाम एस है। तो फिर उसके उसके इर्द गिर्द एक बड़ा सा दिल बनाया जाता है और एक तीर को सीधा तीर गुजरता हुआ जाएगा एस के बीच में से, वो तीर साबित करता है आपके आशिकी को, जितना बड़ा होगा आप उतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कोठे ते चढ़ के राह तक दी रह गई। नाज़रीन ये बहुत ही ब्लंडर मारा है इन्होंने, आप देखें कहाँ मुमकिन है, कहाँ ऐसी मतलब सराइकियों में तो ये बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं है कि एक अब एक लड़की प्यार में जाएगी कोठे पे चढ़ जाएगी, आप चौबारा कह सकते हैं उसे, कोठे पे चढ़ जाएगी और वहाँ से अपने आशिक को ऐसे ऐसे देख, नहीं यार कहाँ ऐसा मुमकिन होता है, पता नहीं कहाँ से यार ये इसने लस्सी पी हुई थी शायद, वो भी भैंस की, तब ये लिख रहा था, नहीं है मुमकिन ये। मैं आपको बताता चलूँ, मैं भी सराइकी हूँ वैसे, कोठे ते चढ़ के राह तक दी रह गई, ये कहीं मुमकिन नहीं है, मैं इसको बिल्कुल, अब मेरे वैसे करने से होता तो कुछ नहीं है, मैं मुस्तरद कर रहा था बस छोड़े। अच्छा, पीछे मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई, पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तो इसके बाद वही म्यूज़िक चलता है काफ़ी, शायद 30 सेकंड तो ये गाना बढ़ाने के लिए वो म्यूज़िक ही चलाते हैं यार, मैं असल बात आपको बता रहा हूँ, ये और किसी को नहीं पता, आप पहले भी देख लें, पहले जो स्लो म्यूज़िक था वो भी 30 सेकंड चला था और हर एक ये जो बीच में ब्रेक लेते हैं वहाँ पे वो पानी शानी पी लेते हैं फिर गाना गाते हैं, और ये इसमें भी ये सब गाना बढ़ाने के लिए होता है। अब ये 5 मिनट का गाना है लेकिन इसमें पोएट्री कुछ भी नहीं है, आजकल तो वैसे 3 मिनट का अमूमन गाना होता है, आप आगे सुने। परदेस जाके ला ले तू डेरे, कस्मा ते वादे झूठे नहीं तेरे। जी ये इसका शायद, अब ये अपने आशिक की बात कर रही है कि वो शायद परदेश में रहते होंगे, अब वो परदेश जाके वापस ही नहीं आए, यार अब वो मजदूरी ना करें वहाँ पे तुम्हें क्या खिलाएगा मुझे आप बताएं, ये कोई कैसे यार कुछ नहीं यार बस, कस्मा ते वादे झूठे नहीं तेरे, वो कस्में करके गया था वो जब बचपन में जब वो टाली की छाँव के नीचे बैठे हुए थे, तो उस वक्त तो जब वो आई थी ना लस्सी लेके, उसी वक्त ही उसने कसम उठाई थी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन अब वो जा चुका है। तेरी जुदाई जिंद साड़ी ले गई, पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। नाज़रीन इसके बाद बस वही फिर से वही हमारे म्यूज़िक चलता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो रहा, अब लास्ट 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 सुनिएगा। शीशे दे घर को पत्थर तो मारें, जहाँ शीशा वहाँ पत्थर, जो शीशा पड़ा होगा ना उसे पत्थर ने, किसी पत्थर ने आके तोड़ना है। शीशे दे घर को उसका दिल शीशे का, जैसे वो एक उर्दू वाला गाना था कि शीशे का था दिल मेरा पत्थर का ज़माना था दिल टूट गया है। नाज़रीन ये शोर वैसे यहाँ पे गाने चल रही हैं, आप प्लीज़ ऐसे डिस्टर्ब ना होएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। अच्छा, शीशे दे घर को पत्थर तो मारें, तू प्यार साडे ढोला विसारें, कैसर वे साकूं बर्बाद की तई, सच्ची डस बेदर्दा कदी याद की तई। अब ये जो है ना इश्तियाक साहब का छोटा भाई है कैसर गालबन, चाहे वो रोने लग गया होगा कि भाई आप इतना मशहूर गाना बनाने जा रहे हैं तो मेरा भी नाम डाल दें, तो उन्होंने नाम डाल दिया कैसर। कैसर वे साकूं बर्बाद की तई, सच्ची डस बेदर्दा कदी याद की तई, अखा रज के रोइया जिंद सदमे सह गई। यार तू मर क्यों नहीं जाता यार, ये जिंद क्यों सदमे सह रही है, ये भी तो मर जाते ना साहब, अखा रज के रोइया, वो तन्हाई में जाके रो लेते होंगे शायद,
आई अंडरस्टैंड, पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लौट पाएगी। तो नाज़रीन ये थे आपकी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ये आपका अपना चैनल है, खुल के लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।